नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 12 बजे तक रहेगी। आज रात 9:47 तक वैधित योग रहेगा, साथ ही आज रात 12:35 तक रवि योग रहेगा। इसके अलावा आज रात 12:35 तक मघा नक्षत्र भी रहेगा। आज सुबह 8:44 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 दिसंबर की सुबह 7:01 से अगली सुबह 5:07 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 दिसंबर की सुबह 10:43 से अगली सुबह 6:36 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 7 दिसंबर की सुबह 7:31 से दोपहर 12:04 तक और एक बार फिर दोपहर 1:32 से शाम 4:40 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 11 दिसंबर की सुबह 7:34 से सुबह 7:40 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 दिसंबर की सुबह 7:01 से दोपहर पहले 11:34 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 दिसंबर की सुबह 7:01 से दोपहर पहले 11:34 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 5 दिसंबर की सुबह 7:29 से सुबह 10:30 तक और एक बार फिर दोपहर 12:12 से शाम 4:40 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 दिसंबर की सुबह 8:10 से सुबह 9:20 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:03 से शाम 5:26 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 6 दिसंबर की सुबह 6:28 से सुबह 7:01 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर पहले 11:56 पर अशुभ समय होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:16 से सुबह 9:34 तक। मुंबई
सुबह 8:19 से सुबह 9:42 तक, चंडीगढ़ सुबह 8:21 से सुबह 9:38 तक, लखनऊ सुबह 7:58 से सुबह 9:17 तक, भोपाल सुबह 8:07 से सुबह 9:28 तक, कोलकाता सुबह 7:22 से सुबह 8:43 तक, अहमदाबाद सुबह 8:25 से सुबह 9:47 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:42 से सुबह 9:07 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। आज घर से निकलकर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस से रिलेटेड आप अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग करेंगे, व्यापारिक लाभ पर चर्चा करेंगे, आप किसी बिजनेस की शुरुआत करेंगे जिसमें परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, बच्चों के साथ पार्क में घूमने जाएंगे, बच्चों में उत्साह देखने को मिलेगा, आपके पेंडिंग वर्क कंप्लीट होंगे जिससे टेंशन कम होगी, झूठ बोलने से बचें, इससे आपका व्यवहार आपके अनुकूल अच्छा बना रहेगा। साथ ही आपको आवेश में आकर किसी निर्णय को लेने से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। ट्रांसपोर्ट के व्यापारी आज किसी बुकिंग से अच्छा लाभ कमाएंगे, आप अपने दयालु स्वभाव के कारण किसी चतुर व्यक्ति का शिकार बन सकते हैं, इसलिए आप संभल के रहें। आज आपके माता पिता की नाराजगी आपसे खत्म होगी। आपके आसपास कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा जिसमें आपका परिवार शामिल होगा। डायबिटीज़ की समस्या से आज कुछ हद तक आराम मिलेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो किसी भी काम को करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। नई कार्य योजनाओं को स्टार्ट करने के लिए आज का दिन अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे हैं लोग, आज किसी प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत करेंगे। आज आपको बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट अच्छा होगा, आपके पिताजी आपको सरप्राइज देंगे। आज किसी को मामूली बात पर डांटने के बजाय विनम्रता से समझाइए, अपनी दिनचर्या में बदलाव करें जिससे आपके काम भी आसानी से पूरे होते जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। दूर दराज के लोगों से संपर्क बनाकर बिजनेस करना फायदे का सौदा होगा और बिजनेस भी दूर तक फैलेगा। इस राशि की महिलाओं का बिजनेस में आज ज़्यादा ही लाभ होगा। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका पेंडिंग काम आज पूरा हो जाएगा। होलसेल का बिजनेस कर रहे लोगों को अधिक मुनाफा होगा। योगाभ्यास करें जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, निरोगी बने रहेंगे। जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं उनको काम का अच्छा ऑफर मिल सकता है। शाम को अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन एक नया खास पल लेकर आएगा। अच्छे भविष्य के लिए आप कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सीनियर्स की मदद लेंगे। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज खत्म होंगी जिससे आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और आपका मन खुश रहेगा। किसी बचपन के दोस्त से मुलाकात होगी, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आपके सहयोग से आपके मित्र को आर्थिक लाभ होगा। माताएं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आप खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश करेंगे और सफल भी रहेंगे। विरोधी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन साथी का समर्थन और प्यार आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करेगा। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का मन बना सकते हैं। आपका भविष्य अच्छा बनेगा। आज दूसरों के मामले में दखल न दें। आवश्यकता पड़ने पर ही
अपनी राय दीजिए। इस राशि के जो वकील हैं, आज उन्हें किसी पुराने केस में जीत मिलेगी, साथ ही नया केस मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। अधिक भाग दौड़ वाला काम होने के बावजूद भी आप पॉजिटिव रहेंगे। आपके अच्छे व्यवहार के जरिए आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आज के सारे काम समय से पूरे होंगे। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। महिलाएं आज घर के काम में बिजी रहेंगी। पिछले दिनों के पेंडिंग काम को पूरा करने का आज सही समय है। आप कुछ नए काम करने के लिए नए टिप्स अपनाएंगे, आपका काम अच्छा चलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन लकी रहेगा। सिंगर्स का कोई गाना आज लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। क्रिकेट से जुड़ी महिलाओं के लिए आज का दिन कॉन्फिडेंस से भरा साबित होगा। समाज सेवा करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको फेम मिलेगी, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा। किसी की छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करेंगे। बैंकिंग की तैयारी कर रहे युवाओं को और मेहनत करने की ज़रूरत है, अच्छा परिणाम आएगा। दोस्त आपका मनोबल बढ़ाएंगे। आज सोची हुई कार्य योजनाओं को पूरा करने में सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद से जुड़े कार्य प्रगति के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी भूखे को खाना खिलाइए, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खुशहाल रहेगा। बेकार में समय न गंवाएं, कुछ न कुछ काम करते रहें, दूसरों की हेल्प करें। समाज के लोग आपके अच्छे व्यवहार से खुश होंगे, तारीफ मिलेगी। आज काम अधिक होने के कारण मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आपका पेशेंस आपको सक्सेस दिलाएगा। जीवन साथी की हेल्प कारगर हो सकती है। आंखों की समस्या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, आपको आराम मिलेगा। आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। कामकाज के मामले में आपकी प्रॉब्लम जल्द ही सुलझ जाएगी। अगर आप बहुत दिनों से किसी को से मिलने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बेहतर है। परिवार में चल रही अनबन आज सुलझ जाएगी। तालमेल अच्छा बना रहेगा। समाज में आपकी पहचान नए लोगों से होगी, जो भविष्य में आपको लाभ देंगे। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा, जिससे उत्साह बढ़ेगा। इस राशि के जो छात्र हैं, वो आज अपनी स्टडी में कुछ नए बदलाव करेंगे। जल्द ही सफलता के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। पेरेंट्स बच्चों के साथ किसी शॉपिंग मॉल में घूमने जाएंगे, जिससे उनमें बहुत उत्साह देखने को मिलेगा। छात्रों को नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिनको सब साथ में मिलकर पूरा करेंगे। नवविवाहित दंपति अपने परिवार के साथ कहीं मंदिर घूमने जाएंगे, जिससे उनमें काफ़ी प्रेम बढ़ेगा। गाय को रोटी खिलाइए, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप कहीं बाहर घूमने जाएंगे, जिससे आपका मन फ्रेश होगा। आज आपकी मुलाकात किसी उच्च अधिकारी से होगी, जहां आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ताजगी से भरा रहेगा। इस राशि के मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम मिलेगा। आज शाम आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाएंगे। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप योगाभ्यास करें। इस राशि के जिन लोगों का आज बर्थडे है, वो अपने साथियों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। जिन स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट हो गया है, वो नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद संबंधी कानूनी फैसला आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है, वो आज पानी पीकर घर से निकले, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, वो आज किसी बच्चे को भोजन कराएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों को बेहतर परिणाम हासिल होंगे। मूलांक 2, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 3, आज अपने ईगो को छोड़कर सामने वाले की बात को सुने और उस पर अमल करें। मूलांक 4, घर की बेटी की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। मूलांक 5, आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। मूलांक 6, नव विवाहित दंपति आज अपने पार्टनर के साथ घूमने जाएंगे। मूलांक 7, टेक्सटाइल का कारोबार कर रहे लोग अपना कारोबार बढ़ाने का विचार बनाएंगे। मूलांक 8, ऑफिस में अपने पिछले दिनों के छूटे कार्यों को आज आप पूरा कर लेंगे।
मूलांक 9, आज आपको ऑनलाइन कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। और अब बात आज के दिन की सबसे खास। आज मार्गशीर्ष श्री कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सोमवार का दिन। सप्तमी तिथि आज रात 10 बजे तक रहेगी। आज रात 9:47 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्य हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही आज रात 12:35 तक रवि योग रहने वाला है। रवि योग के प्रभाव से आपके सारे काम बन सकते हैं। रवि योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता, अपितु ये शुभ फल ही देता है। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। यानी इस योग में जो भी कार्य किए जाए वो सफल जरूर होते हैं। अतः रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा आज रात 12:35 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा नक्षत्र का अर्थ है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि शासन, शक्ति और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। बता दूं कि मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्याध्ययन, लेखन और शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, जबकि इसके अधिपति देवता पितरों को माना गया है और इसके चारों चरण सिंह राशि में स्थित होते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र का सिंह राशि पर प्रभाव पड़ता है। मघा नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक सामान्य तौर पर सामाजिक व्यवहार में अच्छे देखे जाते हैं। साथ ही ये सहनशील, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, स्पष्टवादी और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। इन लोगों के पास अच्छी धन संपत्ति होती है। पेड़ पौधों में मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मघा नक्षत्र के दौरान बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, न ही उसके पत्तों को तोड़ना चाहिए और न ही उसकी लकड़ी को तोड़कर किसी प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बजाय आपको इस दौरान बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी वैधित योग, रवि योग और मघा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली भद्रा के बारे में। आज सुबह 8:44 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी और भद्रा के बारे में कल हम विशेष चर्चा कर चुके हैं, आप भद्रा के बारे में जानते हैं। तो ये थी आज पढ़ने वाली अशुभ भद्रा की चर्चा। और अब बात करेंगे आज सोमवार और मघा नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु मंदिर जाकर भगवान को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, फिर भगवान से मनचाही सफलता पाने के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप जीवन में खूब तरक्की करना चाहते हैं तो आज के दिन अपने गुरु को कुछ गिफ्ट करें, साथ ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे। और अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी पड़ी है तो आज के दिन हरे बांस का पौधा लगाइए, साथ ही पौधे के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन की बात कहें आज के, और ये पूर्व दिशा की तरफ रखिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। अगर आप अपने लक्ष्य को ऊँचे मकाम तक ले जाना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में चने की दाल दान करें, साथ ही गुरु के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य को ऊंचे मुकाम तक ले जाने में कामयाब होंगे। अगर आप दाम्पत्य संबंधों में चल रही उलझनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन घर के आसपास किसी मंदिर की साफ सफाई में अपना सहयोग दें, साथ ही हल्दी का दान करें।
आज के दिन ऐसा करने से दांपत्य संबंधों में चल रही उलझनों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके संबंध बेहतर होंगे। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय, ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र जप के बाद भगवान को भुने हुए आटे में पीसी हुई शक्कर मिलाकर भोग लगाएं, जिसे पंजीरी भी कहते हैं लोग। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन देवगुरु बृहस्पति के इस विशेष मंत्र का जप करें। मंत्रों यथा ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और अगर आप अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठाना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को 1.25 किलो चावल के साथ एक हल्दी की गांठ का दान करें, साथ ही उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठा पाएंगे और अगर आप अपने अध्यापकों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए, साथ ही संभव हो तो अपने अध्यापक को भी 5 मुखी रुद्राक्ष भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से अध्यापकों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। अगर संतान से छोटी छोटी बातों पर आपकी बहस हो जाती है, उनसे आपका तालमेल अच्छा नहीं बैठता है तो ऐसी स्थिति में आज के दिन पीपल के वृक्ष की सेवा करें, साथ ही किसी भी पूजा स्थल के सामने सर झुकाकर अपने काम पर जाएं। आज के दिन ऐसा करने से बच्चों के साथ आपका तालमेल और संबंध बेहतर और मजबूत होंगे। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, साथ ही किसी जरूरतमंद को पीला कपड़ा दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कई बार आपके ऊपर अचानक से कोई मुसीबत आ जाती है और आप उससे बाहर निकलने में असुविधा महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको अपने माता पिता के पैर छूकर उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ उन्हें भेंट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप मुसीबतों से बाहर निकलने में सफल होंगे। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद एक पान का पत्ता लीजिए और उसे साफ पानी से धोकर अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लीजिए, फिर केसर की मदद से उस पर श्री लिखे और भगवान श्री गणेश की पूजा के समय उन्हें अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में इजाफा होगा। अगर केसर घर में न रखी हो तो केसर के बजाय हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते की खूबसूरती को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक चंदन का टुकड़ा लेकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर गणेश पूजा के समय भगवान की प्रतिमा के पास रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद चंदन बंधे उस कपड़े की गांठ को खोलकर चंदन को पूजा घर में रख दें और इस्तेमाल में ले लें और उस लाल रंग के कपड़े को अपने कपड़ों की अलमारी में रख दें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते की खूबसूरती बनी रहेगी। अगर आप कुछ समय से लगातार अलग अलग परेशानियों में उलझे हुए हैं तो ऐसी स्थिति से अपने आप को बाहर निकालने के लिए आज के दिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र में दिए हुए इन नामों को पढ़िए। लंबोदरम पंचमम चैव षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्न राजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम। आज के दिन अपनी इच्छा के अनुसार अपना संख्या तय कर लीजिए कि हम एक बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, 100 बार पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से आपको उलझनों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। अगर आप दूसरों के मुकाबले अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं, अपनी शक्ति का लोहा मनवाना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान गणेश के इन नामों का 11 बार जप करें। नवमम भाल चंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। आज के दिन इन नामों को 11 बार जप करने से, इन पंक्तियों का 11 बार जप करने से आप दूसरों के सामने अपनी शक्ति का लोहा मनवाने में सफल रहेंगे। और अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन सफ़ेद धागे में पिरोकर लाल फूलों की माला, एक माला बनाएं और ध्यान रहे आपके परिवार में जितने सदस्य हैं माला में उतनी ही संख्या में फूल पिरोने हैं। अब इस माला को भगवान गणेश को अर्पित कर दें और उनसे हाथ जोड़कर अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशहाली हमेशा बनी रहेगी।
और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में, और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपके दुश्मन बाजी न मार लें। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है A, तो आज आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे और पूरा दिन काम में मन लगा रहेगा। B, ज्वेलरी के कारोबारियों का दिन लाभदायक रहेगा, आज आपकी ज्वेलरी की अच्छी सेल होगी। C, पहले से लोन के लिए किया गया आवेदन आज स्वीकृत हो जाएगा। D, आज आप अपने माता पिता से किसी बात को शेयर करेंगे। E, कई दिनों से जॉब की तलाश कर रहे लोगों की टेंशन आज खत्म हो जाएगी। F, ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। G, आज आप कोई नॉवेल पढ़ने में रुचि लेंगे। H, हाल ही में नया बिजनेस शुरू जिन लोगों ने किया है उनका काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। I, सरकारी विभाग से जुड़े लोगों का ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह पर हो जाएगा। J, किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, ये शुभ समाचार आपके किसी करीबी से मिल सकता है। K, फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स आज आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे। L, कंस्ट्रक्शन का कारोबार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा। M, आज कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। N, किसी नासमझ की वजह से व्यापार में आपको नुकसान होने की संभावना है। O, आपके दाम्पत्य रिश्ते में आपसी तालमेल बना रहेगा। P, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज का कारोबार कर रहे लोगों की इनकम में आज बढ़ोतरी होगी। Q, मीडिया में कार्यरत लोग आज किसी खबर से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। R, आज बड़ों की सीख से आपको काम करने का तरीका पता चलेगा। S, सिंगर्स आज किसी एल्बम में गाने का अच्छा अवसर प्राप्त करेंगे। T, पब्लिशर्स आज कोई नई बुक पब्लिश करेंगे। U, प्लास्टिक का कारोबार कर रहे लोगों के प्रोडक्ट की अच्छी सेल होगी। V, शिक्षकों का ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह पर हो जाएगा। W, आपकी पॉजिटिव सोच आपको सही मार्ग चुनने में मदद करेगी। X, ट्रांसपोर्ट के कारोबारियों को आज किसी बुकिंग से अच्छा लाभ होने वाला है। Y, आज आप अपने परिवार के साथ किसी योजना पर प्लान बनाएंगे। Z, धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान परिवार वालों के साथ करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान का विशेष महत्व, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट के दर्शन। काशी में वैसे तो गंगा किनारे 84 घाट है, पर उनमें से ये घाट सुप्रसिद्ध स्थान है। दशाश्वमेध घाट का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने काशी में आकर यहीं 10 अश्वमेध यज्ञ किए। कहा जाता है यहाँ उन पहले रुद्र सरोवर था। इस स्थान पर प्राचीन प्रयागेश्वर का मंदिर भी स्थापित है। काफी वर्ष पहले यहाँ पुटिया के मंदिर के नीचे खुदाई में अनेक यज्ञ कुंड निकले थे। काशी आने वाले भक्त यहाँ एक बार स्नान अवश्य करते हैं, तो आप भी कीजिए काशी के दशाश्वमेध घाट के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पैर की अनामिका यानी तीसरी उंगली के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के पैर की अनामिका यानी तीसरी उंगली अपेक्षा से अधिक बड़ी या मोटी हो, वे लोग बड़े ही मेहनती होते हैं। ये लोग हर तरह से संपन्न होते हैं। इन्हें कभी भी अधिक की लालसा नहीं होती और न ही ये लोग किसी दूसरे की बराबरी करने में विश्वास रखते हैं। जो करते हैं अपनी मेहनत के बल पर ही करते हैं। परिवार की छोटी छोटी चीज़ों में भी ये बड़े खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। इनका व्यवहार भी काफ़ी सामाजिक होता है। ये हर किसी से बात करके चलते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति इनके दुश्मनों की श्रेणी में नहीं आता। आपको बता दूं कि मेहनती होने के साथ ही ये लोग शक्तिशाली भी होते हैं, लेकिन अपनी शक्ति का ये कभी भी गलत फायदा नहीं उठाते। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा पैर की अनामिका यानी तीसरी उंगली के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 4 दिसंबर को महर्षि श्री कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सप्तमी तिथि आज रात 10 बजे तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी,
जो कल रात 12:38 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व, यानी जिधर से सूरज निकलता है। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गौशाला में हरा चारा दीजिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।